हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वुमेन्स ज्ञान कॉर्नर। आई होप यू ऑल डूइंग वेल इन अ क्वारंटीन टाइम पीरियड्स। टुडे वी आर शेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यूट्यूब बिगिनर्स। एक्चुअली दिस वीडियो नॉट अ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रिव्यू एंड नॉट अ बेस्ड ऑन वुमेन हेल्थ हाइजीन, इज अ डिफरेंट वीडियो। ये वीडियो एक्चुअली इस टॉपिक पे मैं करीबन 15 दिन से एक चीज़ मैं अपने चैनल पे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो टिम टॉम और द केमिकल कैनेडियन नाम से कोई चैनल है जो हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहा होता है। लेकिन ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि वीडियोस का ना तो वॉच टाइम बढ़ता है और ना ही व्यूज़ बढ़ते हैं, सिर्फ कमेंट आता है। एक्चुअली मैं अपनी जो वीडियोस होती है उन्हें नाइट पे अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ करीबन 2 से 3 बजे के बीच और अपलोडिंग के तुरंत बाद ही कमेंट करीबन 15 से 20 मिनट के बाद ही कमेंट आ जाता है। लेकिन मैंने चीज ऑब्जर्व करी है कि ना तो मेरा व्यूज़ बढ़ता है और ना ही उस वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता है। तो फिर मैंने इस पर थोड़ी स्टडी की कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर कोई हमारी वीडियोस को वॉच कर रहा है तो हमारे व्यूज़ भी बढ़ने चाहिए, हमारा वॉच टाइम बढ़ना चाहिए उस वीडियो का, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली ये जो कुछ चैनल्स हैं ये ना सिर्फ जो यूट्यूब बिगनर्स हैं उनको उन्हीं के चैनल्स पे कमेंट कर रहे होते हैं। ये लोग जो जिन्होंने अभी लेटेस्ट में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिनके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है या फिर 1000 सब्सक्राइबर के आसपास जिन यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स हैं, ये सिर्फ उनको कमेंट कर रहे होते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि आप हमारे भी चैनल पे आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या वी आर फ्रेंड, इस तरह से वो कमेंट कर रहे होते हैं। ताकि अगर कोई जो बिगनर्स यूट्यूबर है वो उस चैनल पे जाएगा और देखेगा कि अरे वाह, इतने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो वो बंदा भी उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, जब मेरे चैनल्स पे कमेंट्स आने लगे तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, इनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बावजूद भी ये मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि सिर्फ कमेंट आ रहा है, ना तो वीडियो का वॉच टाइम बढ़ रहा है और ना ही वीडियोस में व्यूज बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा खटका कि हाउ इट्स पॉसिबल, इफ अगर समवन वॉच माय वीडियोस तो व्हाई शुड नॉट माय इंक्रीज अ वॉच टाइम एंड इंक्रीज अ व्यूज। देन आई एम स्टडी, तो मैंने उसमें ये पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। आई शो यू, माई चैनल आइकन, अगर आप लोगों को शो हो रहा हो तो ये टीम की ओर से कमेंट आया है। कमेंट है, ग्रेट कंटेंट, कीप अप द अमेजिंग कंटेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट कमेंट इज द केमिकल कैनेडियन की तरफ से, नाइस वीडियो, कीप अप द ग्रेट कंटेंट। इस तरह से और भी जब भी हम वीडियोस डालते हैं इस तरह से कमेंट आ रहे होते हैं, लेकिन ना तो व्यूज बढ़ रहे हैं। तो फिर मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट है मेरे चैनल पे, और जो मेरा जो सेकंड चैनल है उस पे भी इस तरह के बहुत सारे कमेंट है। जो ये देखिए, और एक पहले आया था टीम की ओर से, अभी है TEMTEM की तरफ से, अमेजिंग कंटेंट, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड नेक्स्ट इज अमेजिंग कंटेंट, इट्स वेरी वेरी एंटरटेनिंग, इस तरह से कमेंट है। और इस तरह से कमेंट्स मतलब लगातार मेरे चैनल पे ये सारे कमेंट हैं। तो मैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि ये जो मतलब इस तरह के जो कमेंट्स हैं, एक्चुअली वो फेक कमेंट है, स्पैम है।
इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता और ये ना ही अपने चैनल पे कोई कंटेंट या वीडियोस अपलोड करते हैं। आई डोंट नो वाई कि ये एक्चुअली पर्सन है या फिर ऑटो सेट है कि जब भी कोई बिगिनर्स अपने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता है ये उसे ऑटो कमेंट कर देते हैं या फिर किस तरह से कमेंट कर रहे हैं आई डोंट नो, बट ये टोटली फेक है, इस पे बिलीव ना करें। इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं उन पे बिलीव करके उनके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। इस तरह से अपना जो चैनल है वो हो सकता है किसी प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो हमारे चैनल पे। तो मैं आपको अपने दूसरे चैनल में भी जो इस तरह के कमेंट आए हैं, जो फेक कमेंट है, जो स्पैम कमेंट है, उन्हें आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। हैं इस पे जो कमेंट्स आए हैं उसे मैं आप लोगों को लाइक दिखा रही हूँ। ये आया है सीमेंट ट्रैक्स की तरफ से, कमेंट है ग्रेट वर्क, यू रियली आर टैलेंटेड, रियली वॉन्ट टू बी अ यूट्यूब फ्रेंड। मतलब इनके जो कमेंट्स होते हैं उनमें यही लास्ट का वर्ड यही होता है कि टू बी अ यूट्यूब फ्रेंड। एक अगर आपको शो हो रहा हो तो ये देखिए, ये आया है, ठीक है। और नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट जो कमेंट है वो भी इन्हीं की तरफ से है। ये लिखते हैं नाइस वीडियो, आई होप यू मेक अ इट बिग वन ऑल्सो, रियली वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड। तो ये जो मेरे मतलब ये सारे जो कमेंट्स है, जो और एक कमेंट है इन्हीं का, फैंटेस्टिक चैनल, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, रियली वॉन्ट टू बी अ यूट्यूब फ्रेंड। मतलब लास्ट में इनके चैनल पे एक ही बात बोली जा रही है, रियली वॉन्ट टू बी अ यूट्यूब फ्रेंड। ये देखिए, ये इनका थर्ड कमेंट, मतलब ये हमारे वीडियोस को वॉश नहीं करते, सिर्फ कमेंट कर देते हैं। और एक आया है, ये देखिए, ये है टॉम, टॉम की तरफ से कमेंट है ग्रेट कंटेंट, इट्स वाज रियली एंटरटेनिंग। ओके, एंड मैं ये सारी चीजें आप लोगों को लाइव इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग बिलीव करें कि ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगर मतलब इस तरह के कमेंट्स आपको आ रहे हैं तो प्लीज़ इनके चैनल पे जाके इन्हें सब्सक्राइब बिल्कुल ना करिए। जब मैं इनके चैनल पे गई, अगर मैं इन टॉम के चैनल पे जाती हूँ, देखिए ये है टॉम, ये इनका आइकन है, इस पे अगर मैं जाती हूँ इस चैनल पे, तो लुक, ये है चैनल। ओके, अगर हम इनके जो सब्सक्राइबर है, ये इनका ये मेन चैनल है और ये देखिए ये है सेकंड चैनल जिसपे 2.47 लाख सब्सक्राइबर है। ओके, अगर हम इनकी वीडियोस पे जाते हैं तो लुक, नो वीडियोस, नो प्लेलिस्ट, पर इन्हीं के इतने सारे चैनल्स हैं। लुक देखिए, 3 चैनल इन्हीं के बना के रखे हुए हैं, अबाउट में भी कुछ नहीं। मतलब कि ये सिर्फ सब्सक्राइबर बना रहे हैं, मतलब कि जो यूट्यूब बिगनर्स हैं वो ये सोचे कि अरे वाह, जो कितने बड़े बड़े चैनल्स जो हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और इसी इसी सोच में वो इनके चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। आई डोंट नो इनका मोटो क्या है, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इन चैनल्स को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, ये स्पैम है, ये बिल्कुल रियली नहीं। अगर अगर ये होता तो इनके, अगर इनके पास सब्सक्राइबर्स है तो इनके चैनल्स पे वीडियोस भी होती, कुछ तो होता, बट लुक यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इनका होम पेज, ये वीडियोस, नो वीडियोस। ओके, तो मुझे आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस में यही शेयर करना था। आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।